जूली है। ये नाम कितना प्यारा है। तुम कहाँ से आए हो दोस्त? इससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊँ, ये कौन सी जगह है? क्या ये तुम्हारा घर है? ये मार्श है, मेरा घर नहीं। क्या तुम सच में कह रहे हो ये मार्श है? हाँ बिल्कुल। मुझे विश्वास नहीं होता। पर क्रीक कहाँ चला गया? लिली बैट और खेलने का मैदान कहाँ है? कहीं देख नहीं रहा। यहाँ पे एक भी चीज नहीं है जो पहले जैसी दिखे। मेरे मार्च को क्या हुआ? हे जूली, मेरे लिए रुको। जूली ध्यान से। तो वो क्रीक गायब हो गया और खेलने का मैदान भी। ये वो मार्श बिल्कुल नहीं है जो मुझे याद है। जूली आराम से याद करने की कोशिश करो। वैसे आखिरी चीज मुझे याद है कि मैं झपकी मार रहा था। मैं उस दिन बहुत ज्यादा थका हुआ था। मैं उठा और मार्श में सब बदल चुका था। क्या हो रहा है यहाँ? परेशान मत हो, सुनो, हम तुम्हारे लिए पुराना मार्श ढूंढेंगे। वाह, तालाब। क्या हो गया मुझे? ये हो क्या रहा है? मुझे लगता है तुम थोड़े कंफ्यूज हो गए हो। वैसे मेरे एंटीना और पंख कब निकल आए? परेशान मत हो, तुम्हें आदत हो जाएगी। मुझे लगता है बहुत अच्छे हैं। पर मैं खुद की तरह लग ही नहीं रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक राक्षस में बदल गया हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? बस भी करो जूली, शांत हो जाओ प्लीज। शांत हो जाऊं? मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। हाँ? एक प्रोसेस होता है जिसे काया पलट कहते हैं, तुम उससे गुजरे हो। क्या कहा, काया पलट? हाँ, ये कितना अच्छा है। बहुत कीड़ों के साथ ऐसा होता है। वो जमीन पे रेंगने वाले कीड़ों से सुंदर पंख वाले कीड़ों में बदल जाते हैं। क्या सही में ये काया पलट प्राकृतिक होती है क्या? जरा देखो मुझे। एक बार मैं इस डंग बॉल को घर पहुंचा दूं, मेरे पास थोड़े ही बचेंगे आज का काम खत्म करने के लिए। इतने चमकीले रंग। वाह, देखो मेरा बेस्ट फ्रेंड आ गया। हाय हाय बेस्ट फ्रेंड। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा दोस्त। मुझे गले क्यों लगा रहे हो? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैक्स कूपर? मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त जूल्स। मैं बस थोड़ा बदल गया हूँ। तुम बहुत ही अजीब हो। तुम मुझे मेरे परदादा के नाम से क्यों बुला रहे हो? क्या बोला? क्या तुम्हारे परदादा के नाम से? क्या मैक्स कूपर? हाँ हाँ, ये वही है यहाँ। सच बताऊं तो मुझे लग रहा है कि मैंने ये नाम कहीं सुना है। ये मैक ब्रूम है। नहीं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। इसे बताओ मैक्स कूपर। तुम मेरे साथ काम करोगे? मैं इस बारे में पता लगा सकती हूँ। देखते हैं। जिसकी बात हम कर रहे हैं वो शायद मैक ब्रूम का परदादा हो सकता है। मैं जानती हूँ वो यहाँ से 30 साल पहले गुजरे होंगे। 30 साल पहले? हाँ, शायद मैंने ये कहानी पहले सुनी है, मेरी पर नानी के मुंह से। हाँ मुझे याद है, उन्होंने बताया था यहाँ पर एक खेलने का बहुत बड़ा मैदान हुआ करता था। मुझे बिल्कुल ऐसा ही घर याद है। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। मैं उठा और सब बदल चुका था। मुझे यकीन नहीं हो रहा 30 साल हो गए। एक कीड़ा बिना दोस्तों और घर वालों के भला क्या करेगा। मैं सबसे अकेला कीड़ा हूँ। जूली, जूली, प्लीज बचाओ। मैं कितना अकेला हूँ और मेरा कोई घर भी नहीं है।
देखो वहाँ पानी के पास पत्थर में बैठा हुआ है। बेचारा, कितना मुश्किल होगा इस तरह अकेले जीना। तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर तुम्हें पता है तो क्यों ना हम इसे पहले वाला मार्श बना दें? हाँ, सही कहा। जो क्रोकर को बेड से हटाना होगा। हम तुम्हारे लिए एक नया घर ढूंढेंगे। अब मैं जो क्रोकर को यहाँ से कैसे दूर ले जाऊँ ताकि इसे हटा सकूँ? हाँ, मैं समझ गया। अच्छा, अब मैं कोई और तरीका आजमाता हूँ। ठीक है, अब एकदम ध्यान से। एक, दो, तीन। मैं मर गया। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो आराम से सो रहा था। ओए, मैं मर गया। शुक्रिया जो, मैं इसे वापस ले आऊंगा। मैं तो जुम 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 रू बन के आओ। अब इसे मैं मेरे कलेक्शन में ऐड कर दूंगा। मुझे बस इसी कलेक्शन की जरूरत थी। ये पेन का ढक्कन मेरे पर दादा ने मुझे विरासत में दिया है। कितना सुंदर है। आओ, पेन का ढक्कन तो बहुत पुराना है। है, कौन है वहाँ? Hey, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वाओ, ये जगह तो एक शानदार म्यूजियम जैसी लगती है। ये अजीब था, वहाँ तो कोई भी नहीं था। अरे मेरा काम कितना बाकी है। बस मुझे माफ करना, मैं वादा करता हूँ कि अगली बार मैं खटखटा कर आऊंगा। इस तरफ चलो, हम आ गए। ए बाटल, क्या अब तुम मेरी आंखों की पट्टी हटाओगे? ठीक है, मैं अभी हटा देता हूँ। ये मेरे सोने की मन पसंद जगह हुआ करती थी। अभी भी गर्म है। देखो मेरे दोस्त आश्चर्य के पेन का ढक्कन, और ये मेरा पुराना शीशा। देखो ये वही टाई है जो मैंने जूनियर प्रॉम में पहनी थी। मैं आखिर घर वापस आ ही गया। शुक्रिया। हाँ ठीक है, जो भी तुमने किया उसके लिए बहुत शुक्रिया बाटल दी। हे जूली, क्या तुम्हें सही में जाना पड़ेगा? तुम यहाँ नहीं रह सकते। मेरा मतलब यही तो वो मार्श है, सही कहा ना जूली? नहीं दोस्त बाटल भी, समय आ गया है कि मैं जाऊं और अपने जैसों को ढूंढूं। एक बार वो मुझे मिल गए तो हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मुझे यकीन है मेरे जैसे और भी होंगे। वैसे गुड लक जूली बग, कभी तुम्हें अगर मदद चाहिए हो तो तुम जानते हो ना कि मैं कहाँ मिलूंगा। तुम्हारा शुक्रिया। ठीक है, अलविदा दोस्त। अलविदा मकब्रूम।